में हम देखेंगे 7 मार्च से 14 मार्च के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर देखे हैं उसको फटाफट रिव्यूजन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने तेंदुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 722। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुटुम्बसर गुफा किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बस्तर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कितने लोग युवा वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में भाग लेने वाले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धान के अंतर राशि लगभग कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 13,000 करोड़ रुपए। स्मार्ट सिटी फेज 2 में किस जिले का चयन हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बिलासपुर जिले का चयन हुआ है। 2500 साल पुराना कुआं किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पैरी नदी सीताबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र के क्षेत्र में देश का दूसरा केंद्र कहाँ खुलने जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रायपुर में खुलने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजय हजारी ट्रॉफी के लिए किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सत्यम दुबे को। किस जिले के मायापुर गांव में 2 एकड़ पर एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सूरजपुर जिले। राष्ट्रीय मिनी गोल्फ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की सरगुजा संभाग के कितने खिलाड़ी प्रदर्शन करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 5। हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत 2431 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाए जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। चित्रकूट महोत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया, कब किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 5 मार्च को किया गया। हाल ही में किस ऐप से निशुल्क कोचिंग सहायता योजना लाभ उठा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए श्रमयोगी जयंते। ठीक है। हाल ही में श्रम वैन का संचालन किस जिले में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जसपुर जिले में किया जा रहा है। ट्राइबल ऑफ बस्तर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विष्णु देवसाय द्वारा किया गया। 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय किस नंबर पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 77। नेक्स्ट देखते हैं। देश का पहला राज्य जिसमें पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए MOU करार किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए छत्तीसगढ़। इंडियन लॉ रिपोर्ट्स छत्तीसगढ़ द्विभाषी संस्करण का विमोचन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रमेश सिन्हा। भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवन आर्यभट्ट भवन सहित कितने करोड़ का लोकार्पण व शिलान्यास किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 209 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं। किस जिले को पेयजल सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रायगढ़ जिले को किया जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, रायपुर से लोकसभा चुनाव किसे लड़ाया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बृजमोहन अग्रवाल को। जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर की नियमित विमान कब से प्रारंभ होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 31 मार्च 2024 से प्रारंभ होगा। हाल ही में आर्टिकल 370 मूवी किस राज्य में टैक्स फ्री है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अपना छत्तीसगढ़ में। किस विभाग की महिला कमांडो ने नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डीआरजी बस्तर फाइटर की महिला कमांडो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेन को कब हरी झंडी दिखाई जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 12 मार्च 2024। दो सौ पचास साल पुराना शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बस्तर जिले में स्थित है। दंतेवाड़ा में फाल्गुन मड़ाई के लिए कितने लाख रुपए की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 10 लाख रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की है। राज्य स्तरीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रायपुर जिले में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षक महिलाओं को दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 50% दिया गया है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गार्ड।